हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छी होगी। तो आज मैं लेके आई हूँ अनदर वीडियो फॉर तीज मेकअप लुक। तो जिन लोगों को हैवी मेकअप नहीं पसंद है, तो उनके लिए मैंने कहा था कि मैं आपके लिए इस तरह का मेकअप लुक लेके आऊँगी जो कोई भी कर सकता है। तो सबसे पहले हम स्किन केयर कर लेंगे। स्किन केयर के लिए मैंने सबसे पहले यूज़ किया है हिमालय का क्लैरिफाई टोनर। तो टोनर आपको पता ही है हमारे लिए क्या काम करता है, हमारे जो ओपन पोर्स होते हैं उनको क्लोज करता है। उसके बाद मैंने खादी नेचुरल्स की एलोवेरा जेल लगाया है, और उसके बाद मैंने अपने लिप्स को हाइड्रेट करने के लिए लगाया है लिप बाम मेबलिन का, और उसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है नेल्स का प्राइमर। तो सबसे पहले मैं आज अपने फेस मेकअप से ही स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने फाउंडेशन लिया है एक्सपोज्ड का, वेलवेट टच है ये फाउंडेशन, और इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी जो भी मैं प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही हूँ इस वीडियो में। और उसके बाद मैंने इसे डॉट डॉट करके अपने पूरे फेस पर अप्लाई कर लिया है, और ब्यूटी ब्लेंडर को मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर लिया है। जब भी आप ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करें उसको एक बार पानी में अच्छे से स्क्वीज़ कर लें, और उसके बाद मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पे मैं आईब्रोज़ फिल कर रही हूँ। आईब्रोज़ फिल करने के लिए मैंने यहाँ पे यूज़ करी है NYB की आईब्रो पेंसिल, और ये है ब्राउन शेड। और आप देख ही सकते हैं आजकल मैं इसको यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने ये न्यू अभी परचेज़ करी थी, और मैंने आपको बोला था कि मैं आपको पर्पल हॉल अपना शेयर करूँगी, बट मैं अभी नहीं कर पाई हूँ, आजकल टाइम नहीं मिल रहा है। और इसके बाद मैंने इसको अच्छे से अपने स्पूली की हेल्प से अपने आईब्रोज़ को मैंने ब्लेंड कर लिया है, और जिससे कि कोई हार्श ना लगे। और उसके बाद मैं कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, वो भी मैंने NYB का ही कंसीलर लिया है, और ये मेरा नेचुरल शेड है। तो सब कुछ मैं आपको, सारे प्रोडक्ट्स का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, अगर आपने परचेज़ करना होगा तो आप कर सकते हो, आपको ईजी रहेगा। तो हम अपना जो कंसीलर है वो हमें अपने अंडर आइज़ पर लगा लिया है, अपने फोरहेड पर, चीक बोन्स पे, और लिप्स के आसपास जो भी हमारे ब्लैक डॉट्स या ब्लैक हेड्स जो भी आप बोल सकते हैं, डार्क सर्कल्स, उन पे हम अप्लाई कर लेंगे। एंड देन इसके बाद मैंने यहाँ पे यूज़ किया है NYB का ही कॉन्टोर स्टिक। वैसे आपको इसमें हर तरह का शेड मिल जाएगा, आप एज अ कंसीलर भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ फाउंडेशन भी इसको यूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी आप इसमें से शेड पिक कर सकते हैं। तो मैंने इसको कॉन्टोर के लिए मैंने लिया था, और इसको हम अपने सारे अपने कॉन्टोर हम इसलिए करते हैं जिससे कि हमारा फेस जो फीचर्स हैं हमारे सारे के सारे हमारे शार्प लगें। तो हम अपने फेस को अच्छे से कॉन्टोर कर लेंगे, और उसके बाद मैंने यहाँ पे कंसीलर और कॉन्टोरिंग एक साथ कर ली, और उसके बाद मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। तो यू नो कि हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो भूल जाते हैं करना वो होता है ब्लेंडिंग। तो अपना मेकअप को जितना अच्छा आप ब्लेंड करोगे, जितना अच्छा आप उसे अच्छे से ब्लेंड करोगे, उतना मेकअप आपका खिल के आएगा, चाहे वो हाइलाइटर हो, चाहे आई शेडो हो, चाहे आपका फाउंडेशन हो, उसको अच्छे से ब्लेंड करना बिल्कुल भी ना भूलें। और उसके बाद मैंने अपने फाउंडेशन और कंसीलर और कॉन्टोर को सेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है कॉम्पैक्ट पाउडर, जो कि है हुडा ब्यूटी BB करके कुछ है ये। और इसके बाद मैंने आई शेड के लिए मैंने यूज़ करी है नेल्स की पैलेट, और इसमें से मैंने पिक किया है ब्राउन सा शेड, लाइट ब्राउन सा शेड, और उसे मैं अपनी क्रीज लाइन को बिल्ड करने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और एक फ्लफी ब्रश की हेल्प से। तो एक्स्ट्रा पाउडर हम रिमूव कर लेंगे उसे, और उसके बाद आप बिल्कुल हल्के हाथ से अपनी क्रीज लाइन को बिल्ड करें जिससे कि आपका जो आई शेडो है वो बहुत हार्श ना लगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है गोल्डन सा शेड। गोल्डन शेड को हम अच्छी तरीके से अपने आईलिड पर अप्लाई कर लेंगे, और जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कर रही हूँ डैब डैब करके हमें बिल्ड करनी है ये। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपको आई शेडो अपने ब्रश पे एक ही बार में बहुत सारा आई शेडो नहीं लेना है, उससे आपकी आईज़ का जो मेकअप है वो अच्छा नहीं लगेगा। आपको थोड़ा थोड़ा करके ही लेना है, आपको फिर जितनी उसकी ज़रूरत लगती है आप दोबारा ले लें, उससे आपका मेकअप अच्छा रहेगा। उसके बाद मैंने दोबारा से ब्राउन शेड लिया है, और दोबारा से अपनी जो क्रीज लाइन है उसे थोड़ा सा और बिल्ड किया है मैंने, क्योंकि हमने गोल्डन शेड लगाया था, तो उसके बाद थोड़ा सा ब्राउन शेड मैंने और दोबारा लेके क्रीज लाइन बिल्ड करी है। उसके बाद मैंने इसी पैलेट में से ब्लैक शेड ले रखा है, और ब्लैक शेड को मैं हल्का सा अपनी आई कॉर्नर्स पे वी की तरह से हम करेंगे उसे, और उसे हल्का सा लगाएंगे, और उसको हम स्मच कर लेंगे, ब्लेंड कर लेंगे अच्छी तरीके से ब्लेंडर से, और उसको हमें हल्का सा इफ़ेक्ट देना है ब्लैक का, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है हमें ब्लैक कलर, हल्का हल्का लेना है बिल्कुल।
एंड यस सॉरी गाइस, थोड़ी सी आपको पीछे से डिस्टरबेंस आ रहा होगा, नायरा की आवाज़ आ रही होगी, तो प्लीज़ उसे इग्नोर करना क्योंकि वो मुझे वॉइस ओवर नहीं करने दे रही थी, तंग कर रही थी। तो मैंने सोचा चलो अब फटाफट कर ही लेती हूँ क्योंकि वीडियो तो मेरी कब की रेडी हो चुकी थी, बट वो मुझे एडिटिंग और वॉइस ओवर ये इन सब चीज़ों का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था करने का। और उसके बाद फिर मैंने चलो यहाँ पर अपनी आईलाइनर लगा लिया है, और आईलाइनर मैंने विंग वाला आईलाइनर बनाया है क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा लगेगा, और वैसे भी जब हम कोई फेस्टिव लुक क्रिएट करते हैं तो विंग वाला आईलाइनर बनाना तो बनता ही है भाई। वो थोड़ा सा हमारी आईज़ को एनहेंस कर लेता है, अगर आपकी छोटी आँखें हैं तो उनको बड़ा बना देता है। आप देख सकते हो दूसरी आँख मेरी छोटी लग रही थी और विंग की वजह से दूसरी आँख मेरी बड़ी लग रही थी। और बड़ी आँखों के लिए एक काम और करें कि वाइट काजल लगाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर मैंने वाइट काजल पेंसिल ली है और उसके बाद मैंने अपनी वाटर लाइन पर अप्लाई कर लिया है, और आप देख सकते हैं कितनी बड़ी आईज़ लग रही हैं इससे। और इसके बाद मैंने आईलाइनर लिया है और हल्का सा मैंने अपने लोअर लैशेस पे अप्लाई किया है, हल्का हल्का लगाया, उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे काजल अप्लाई नहीं करा क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा था कि काजल लगाऊंगी कहीं ज़्यादा ना फैल जाए, तो इसलिए मैंने आईलाइनर का यूज़ किया। और जैसे वो जब वो बिल्कुल गीला ही था ना तभी हमने उसको ब्लेंड कर लिया, तो आप देख सकते हैं वो ब्लेंड भी हो गया ईजिली और इधर उधर फैलता भी नहीं है क्योंकि काजल तो हमारा वाटर प्रूफ होता है ना। और उसके बाद मैंने उसी पैलेट में से लिया है हाइलाइटर्स और मैंने उसे अपनी ब्रो बोन पे मैंने अप्लाई कर लिया है, और उसके बाद मैंने उसी से ही अपने नोज़ और चीक बोन्स और उसके बाद जहाँ जहाँ हम हाइलाइटर लगाते हैं लिप्स पे, अपर लिप्स पे, फोरहेड पे, सब जगह मैंने उसी पैलेट में से हाइलाइटर भी यूज़ कर लिया है। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ नेल्फ का ब्लशर और ये है चीयर अप ब्लशर, और आपने देखा होगा ये थोड़ा सा पीच सा शेड है और इसको मैंने अपने एप्पल ऑफ द चीक्स मैंने अप्लाई कर लिया है। उसके बाद मैंने लिपस्टिक के लिए भी यूज़ करी है नेल्फ की ही लिपस्टिक, और मैंने टू शेड्स अप्लाई करे हैं, एक मैंने यूज़ किया है रेड और मैंने एक यूज़ किया है ऑरेंज। तो रेड से मैंने थोड़ा सा आउटलाइन करूँगी और उसके बाद जो हम लिप्स की कॉन्टोर कर सकते हैं वो भी मैंने रेड कलर से किया है, और उसके बाद मैंने अंदर जो फिल किया है वो मैंने यूज़ किया है ऑरेंज कलर, और दोनों जब हम ब्लेंड हो जाता है आपस में तो उसका जो टेक्स्चर आता है लिप्स का वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर आता है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी ये लिपस्टिक इस तरह से लगा के। आप एक बार ट्राई ज़रूर करना, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम ट्राई करी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला लुक, और इस तरह से लिपस्टिक लगाने का तरीका भी अच्छा लगा। आपको कैमरे में ये अच्छी तरीके से शो नहीं हो रहा है बट या रियल में ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस तरह का टेक्स्चर। और आईज़ के लिए सॉरी लैशेस के लिए मैंने जो मस्कारा यूज़ किया है वो है मेबलिन का, और उसके बाद लुक को कंप्लीट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ ग्रीन कलर की बिंदी। तो ग्रीन मैंने डार्क और लाइट ग्रीन दोनों कलर की मैंने बिंदी अप्लाई कर रही है, और उसके बाद मैंने सिंदूर लगा लिया है। और हेयर्स आप अपनी तरह जिस तरह का आपको सूट करता है उस तरह से आप अपने हेयर स्टाइल कर सकते हो। या यहाँ पे मैंने अपनी लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने अपनी ज्वेलरी पहन ली है, और ज्वेलरी में मैंने इयररिंग्स और मांगटीका पहना है, और ये मैंने कंट्रास्ट में पहना है जैसे कि रेड और गोल्डन आप देख सकते हैं। तो हमें कुछ इस तरह का कंट्रास्ट कर लेना चाहिए, आजकल वैसे भी हर एक चीज़ कंट्रास्ट में चल रही है, इससे आपका नया लुक भी लगेगा। और आप कुछ इस तरह की ज्वेलरी खरीद लें जिससे कि आपकी दो तीन चीज़ों के साथ मिक्स मैच होके चल जाए, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। और आप ये मेरा मेकअप लुक पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा मेकअप लुक अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।